स्पेशल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विद्या का पर्यायवाची शब्द क्या है? विकल्प ए ज्ञान, विकल्प बी धन, विकल्प सी शांति या विकल्प डी बल। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए ज्ञान। आशा का विलोम शब्द क्या है? विकल्प ए निराशा, विकल्प बी विश्वास, विकल्प सी उत्साह या विकल्प डी नीरस। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए निराशा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? विकल्प ए पानी, विकल्प बी मकान, विकल्प सी गृह या विकल्प डी घर। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी गृह। जो सबको प्रिय हो उसके लिए एक शब्द क्या है? विकल्प ए सर्वप्रिय, विकल्प बी सर्वज्ञ, विकल्प सी सर्वशक्तिमान या विकल्प डी सर्वकालीन। इसका सही जवाब है विकल्प ए सर्वप्रिय। आंख का तारा मुहावरे का क्या अर्थ है? विकल्प ए नींद में होना, विकल्प बी बहुत प्यारा होना, विकल्प सी क्रोधित होना या विकल्प डी भयभीत होना। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी बहुत प्यारा होना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही है? विकल्प ए सम्मेलन, विकल्प बी सम्मेलन, विकल्प सी सम्मलेन या विकल्प डी सम्मेलन। इसका सही जवाब है विकल्प बी सम्मेलन। फल और फूल में अंतर बताने वाला सही विकल्प चुनिए। विकल्प ए दोनों का अर्थ समान है, विकल्प बी फल खाने योग्य वस्तु है और फूल पुष्प है, विकल्प सी फल का अर्थ पुष्प है और फूल का अर्थ खाने योग्य वस्तु है, विकल्प डी दोनों का कोई संबंध नहीं है। इसका सही जवाब है विकल्प बी फल खाने योग्य वस्तु है और फूल पुष्प है। निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग है? विकल्प ए अविनाशी, विकल्प बी समझदार, विकल्प सी प्रतिकार या विकल्प डी प्रवाह। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए अविनाशी। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? विकल्प ए सूर्य, विकल्प बी हाथ, विकल्प सी मार्ग या विकल्प डी प्रभाव। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी हाथ। विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? विकल्प ए स्वर संधि, विकल्प बी यण संधि, विकल्प सी व्यंजन संधि या विकल्प डी दीर्घ संधि। इसका सही जवाब है विकल्प डी दीर्घ संधि। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? विकल्प ए जल, विकल्प बी वायु, विकल्प सी पावक या विकल्प डी। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।